चैलेंज। अच्छा यार लास्ट याद है आपको बताया था कुछ अवेक के फंक्शन की किस तरह कॉल होता है पहले, ठीक है ठीक है। यार ये जो है इनकी एक्चुअली जो डायग्राम है ना वो बता रही है इनकी टाइमलाइन को। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज एकदम समझ लें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर टू अंडरस्टैंड फॉर एंड टू रिमेंबर परहैप्स आल्सो। अच्छा ये एक चीज होती है कि स्टार्टिंग में शायद आपको इतना इसका यूज नजर ना आए लेकिन बाद में आपको काफी इसमें ना हेल्प मिलती है पाइथन से। इसके अंदर सारा मेंशन है कि कौन कौन सा फंक्शन जो प्री डिफाइंड है यूनिटी के जिनको हम बाद में ओवरराइड करते हैं। सुन 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 ठीक है यार ये प्लीज अपने लैपटॉप बंद कर दे यार प्लीज दोस्त दोस्त लैपटॉप बंद कर कि अपना फंक्शन लिख लें तो यूजली जितने बिलाल लैपटॉप बंद कर हैं मैं यहां से ओवरराइड ही कर रहा हूं। मैं यहां से यार ये ओवरराइड की टर्म का पता है ना आप लोगों को? ठीक है यानी वो पहले ही वो फंक्शन है आपके पास लेकिन आप उनको उनके ऊपर रीडिफाइन कर रहे हैं ताकि वो ओवरराइड हो जाए। अच्छा और यहाँ पे ना ये मैं शेयर कर देता हूँ फेसबुक पे ये वाली इमेज और इसके ना सारा लिखा। तुम बस क्या देते हो शेयर करने का? शेयर करती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। और इसके अंदर यार ये सारा लिखा हुआ है कि जो फिजिक्स की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं ना फिजिक्स की मूवमेंट हम करते हैं फिक्स अपडेट के अंदर और फिक्स अपडेट और अपडेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? अपडेट में आप याद अपडेट क्या था वाला हाँ तो फिक्स अपडेट में फर्क क्या होता है कि उसमें जो डेफिनेशन है वो फ्रेम रेट पर डिपेंडेंट नहीं है। उसके अंदर क्या होता है कि हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि इसमें एक सेकंड में लेट्स सपोज 15 टाइम्स कॉल होना ही होना है ठीक है तो वो फ्रेम रेट पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ लगी इस चीज की? तो जब हम अगर हम फिक्स अपडेट में काम करें तो हमें टाइम और डेटा टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती भाई इसको। वाह जबरदस्त ठीक है। और इसी तरह बाकी फंक्शंस भी हैं यार वो बाद में देखते हैं तो वो कौन सा किस कहां कहां पे यूज होता है। आज हमने जो गेम बनानी है ना मैं इधर खेलते दिखाता हूं किस तरह की होगी। वाजवा ठीक है ये उनके प्रश्न ये मैं तो ऊपर में छोटा भाई कह रहा है मैं बनाऊंगा मेरा छोटा भाई खेलेगा। ओके तो आज मैंने ये गेम बनानी है ये उनके एसेशन को यूनिटी में से जो मैंने डाउनलोड की है ठीक है। इसमें सब हमें चाहिए क्या क्या चीजें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है अभी अगर हमें गेम बनानी है तो हमें क्या क्या चीजें क्या बात है भाई क्या बात है। तो जो तो ये वाला जो प्रोजेक्ट बनेगा तो जैसे जैसे पहले पहले हम 2D में कर रहे होते अगर यही काम तो हमें शायद डिफरेंट स्प्राइट्स बनाने पड़ते हैं। हां डिफरेंट एनिमेशन बनानी पड़ती डिफरेंट स्प्राइट्स के साथ कि जो उसको टिल्ट करवा रही होती है। यस तो वो डिस्ट्रा स्क्रैच में हम डिफरेंट कॉस्ट्यूम रख देते थे उसी तरह की चीजें बन लेकिन अब क्योंकि 3D बनाया हुआ है तो उसको हम रिट्रेक्ट करवा सकते हैं। क्या बात है ठीक है। अभी मैंने कुछ भी डिलीट नहीं करा कि किसी चीज की मैंने जरूरत पड़ती थी मैंने डिफाइन प्री डिफाइन नहीं कि कौन सी चीज की काम की जरूरत पड़ेगी हमें मैं कहता हूँ कि अभी हम करते हैं न्यू सीन क्रिएट करते हैं काम करते हैं एक फोल्डर बनाते हैं इसका नाम रखते हैं ओल्ड गेम और सारा उसमें डालते हैं और बाकी जितना भी डेटा है उसको हम कर देते हैं। ये अच्छा काम किया ये क्या किया भला रिकॉर्डिंग और ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आप जी बंद नहीं नहीं बस ठीक है। स्पेस है सर ठीक है क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में काम कर रहे हैं 3D वर्ल्ड के अंदर एक हमारे पास इनफाइनाइट स्पेस है जिसके अंदर हम
किसी जगह भी काम कर सकता है, जो हमारा कैमरा है वो पर्सपेक्टिव में है, पहले औरतों में था, ठीक है, क्योंकि हमने वो डेप्थ के लिए फील क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हम काम करेंगे इस पर्सपेक्टिव के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर, एंड्रॉइड के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि एंड्रॉइड की सेटिंग्स के मुताबिक हम उसमें काम कर सकें। बाद में ये क्या शुद्ध है कि अगर अभी हम फ्री टेक्स्ट में काम कर रहे हैं फ्री एस्पेक्ट के अंदर और स्क्रीन साइज चेंज हो जाता है बाद में, या फिर आपको बाद में आता है कि नहीं यार मैंने स्पेसिफिक रेजोल्यूशन एस्पेक्ट रेशो के लिए बनाना था, तो वो बाद में क्या होता है चीज़ें जो थी ना वो आगे पीछे पहुँच हो जाती हैं, कि अगर आपके डिफॉल्ट पहले तो फ्री एस्पेक्ट के अंदर 100 के ऊपर वो मिडल सेंटर में आ रही थी, या फिर अगर 10 के ऊपर राइट पर आ रही थी तो जो स्क्रीन साइज चेंज होता है या फिर आपकी रेजोल्यूशन चेंज करता तो उसकी पोजिशन होता था बाहर चली स्क्रीन से, तो स्क्रीन के ज़्यादा अंदर आ जाए, ठीक है। तो आप रेजोल्यूशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा इसमें तो बात कर लेते हैं कि हमने ना करना क्या क्या इसके अंदर, ठीक है। अब आपने जो गेम देखी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हमें प्री डिफाइन स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, लाइट ऑन कर देना, ठीक है। क्या क्या चीज़ करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो शिप है उसको मूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा हमेशा स्टार्ट करना है प्लेयर से, तो प्लेयर की मूवमेंट्स को डिफाइन कर ली उसके बाद आगे वाला करेंगे। प्लेयर की मूवमेंट्स के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, और उसकी रोटेशन भी है, तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसमें हमें करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि उसको अप एंड डाउन मूव करवाएंगे, लास्ट टाइम हमने जो किया था वो किया था इफ़ कंडीशन से, कि इफ दिस तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मूव कर दे, इफ दिस तो उसकी वैल्यू यहाँ मूव कर दे। इसमें ना हाँ नहीं, इसमें हम यूज़ करेंगे कि एक इनपुट की अपनी क्लास के अंदर एक होता है कि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट्स लेने के लिए होता है, ठीक है। मतलब अगर आपने कीबोर्ड से इनपुट लेने हैं, जॉयस्टिक से इनपुट्स लेने हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से लेते हैं, और जैसे आपको अक्सर गेम्स के अंदर होता है कि WASD और एरो कीज ये दोनों डिफाइंड होते हैं मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो इसको मैं किस तरह यूज़ करते हैं, एक तो ये तरीका कि मैं ए और एरो की भी यूज़ करूँ, ठीक है, कोड के अंदर। अगर मुझे वहाँ की चेंज करनी पड़ती है तो मैं जाकर दोबारा कोड में चेंज करूँगा, ठीक है, और दोबारा उसमें चेंजेस करता रहूँगा। इसमें क्या करते हैं कि हम इसको डिफाइन कर देते हैं कुछ पैरामीटर्स के साथ कि भाई ये वाली की जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली की इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। वो कहाँ से सेटिंग्स हम करते हैं, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन के अंदर आएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इनपुट, इनपुट के अंदर देखें एक एक्सेस की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अंदर क्या लेफ्ट की राइट की ए और डी कि हमने दोनों की पहले इन्होंने इनपुट्स पे डिफाइन करके रखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है गेम्स का, तो क्या होता है कि उस डिमेंशन को फॉलो किया जाता है ताकि जो कंसिस्टेंट हो गेम चाहे वो कंसिस्टेंट रह सके। अच्छा लास्ट गेम में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, लास्ट गेम में भी ये यूज़ कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। यार ये देखें समझ लग रही इस चीज़ की मैंने क्या चीज़ इनपुट की है, ये कहाँ से आता है, इधर एडिट के अंदर से, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इनपुट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस इनपुट को यूज़ करते हुए हमने शिप को मूव करवाना है, तो अब सबसे पहले तो सीन्स में हम आते हैं कि गेम में अंदर हमें इसको गेम की रेजोल्यूशन क्या रखनी है, 16:9 मैंने लैंडस्केप के लिए हमने पोर्ट्रेट मोड में इसमें काम करना है, तो उसकी रेस्पेक्ट रेशो क्या होगी, 4:9 नहीं यूज़ करेंगे, 16:9 है ना, तो 9:16 लाइट्स ऑफ, ठीक है। अब हमें इस रेजोल्यूशन में काम करना है, मेन कैमरा पे क्लिक करते हैं, मेन कैमरा ने कुछ यूं डिफाइन कर लिए, अच्छा इसमें देखें डायरेक्शनल लाइट भी है, ठीक है, डायरेक्शनल लाइट क्या है, इट्स लाइक अ सन, ठीक है, तो उसकी उसकी डायरेक्शन मैटर करती है, उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती, उसके नाम से पता चल रहा है क्योंकि डायरेक्शनल लाइट है, तो उसका क्या मतलब है कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, समझ लगी, कि अगर इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और लाइट मेरे इस साइड से डायरेक्शन से आ रही है तो मेरा शेडो क्रिएट इस साइड होना चाहिए अपोजिट साइड पर, ठीक है, वो अगर उस साइड पर लाइट है या इस साइड पर लाइट है, इट डजंट मैटर, उसकी डायरेक्शन मैटर करती है,
अगर ये लाइट उठा के मैं इस साइड से मूव कर दूँ ना अपने गेम ऑब्जेक्ट से और इसकी डायरेक्शन उस तरफ है तो शेडो हमेशा इस तरफ क्रिएट होगा। ठीक है समझ लगी? और मैंने बताया था आपको कि 2D के अंदर जो सा यूनिटी अपनी जो लाइटिंग की रेंडरिंग है वो खुद करता है और जो 3D के अंदर है उसको लाइटिंग हमें खुद हैंडल करनी पड़ती है सारी। ठीक है अब हमें करना क्या है, सबसे पहले बैकग्राउंड एक अटैच करना है इसके ऊपर। बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, अगर जो ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे उसके लिए थोड़ा डिफरेंट वे से वो बैकग्राउंड को यूज़ करेगा अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा था क्योंकि थोड़ा फेमिलियर रहते हैं जो आप जो पुराने कॉन्सेप्ट थे उनके साथ ही। ठीक है तो अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि हमें डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन होगा ना वो डिफॉल्ट टेक्सचर में होगा। ठीक है लेकिन हमें इसको यूज़ करना है स्प्राइट की तरह तो उसकी सेटिंग्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, बुलेट की एक इमेज मिली है मुझे, इसके ऊपर अगर मैं 3D कौन सा है अगर ये वाला एक आज कर्व आ जाए इसके ऊपर। ठीक है और ये बैक एंड अभी बैकवर्ड ये कर्व आ जाए तो क्या होगा, 3D इसके ऊपर एक शेप बन जाएगी। वो एग्जिस्ट 3D में कर रहा होगा उसकी जो बाउंड्रीज हैं लेकिन उसकी जो इमेज है वो 2D होगी। जब बुलेट बनाएंगे ना मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है तो अब हम आते हैं गेम विंडो के अंदर। गेम विंडो में हमारे पास शो हो रहा है और अच्छा वो कैमरे वाला हमारा साइज क्यों नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, क्योंकि उसमें हम काम कर रहे हैं पर्सपेक्टिव में। अच्छा तो पर्सपेक्टिव के अंदर उसकी बाउंड्री बहुत ज्यादा पीछे जाकर डिफाइन होती है ये चीज। ठीक है क्योंकि ये इसका मतलब क्या वाला कि जब हम ज्यादा मतलब कहते हैं कि कैमरा तो काफी लंबा वॉक बन गया था। ठीक है अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं इस पॉइंट से लेट्स सपोज वो उस पॉइंट तक वो कमरे के एंड तक देख सकता हूं, तो अगर हम इसको 2D के अंदर देखेंगे तो इस पॉइंट में तो बहुत छोटी वैल्यू है पर जो कमरे के एंड पे है वो तो बहुत बड़ी वैल्यू है। अच्छा समझ लगी, तो जो द मोस्ट फॉरेस्ट जितना दूर देख सकता है ना। ठीक है अब ये वो बता रहा है कि मैं इतना दूर इतनी वैल्यू के अंदर देख सकता हूँ क्योंकि तो मैं 3D में कन्वर्ट करके देखते हैं तो वही देख मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो वो कह रहा है इस पॉइंट से मैं कहाँ तक देख सकता हूँ, देख तो मैं बहुत दूर तक सकता हूँ, देख तो मैं काफी देर तक करता हूँ, तो ये इस पॉइंट तक हो इस बाउंड्री को दिखा रहा है कि इतना बड़ा मेरा व्यूइंग एंगल है जो कि एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहा है लाइट्स को देख जा रहा है। अगर डायरेक्शन लाइट 3D में भी हां अगर डायरेक्शन लाइट डिलीट हो जाए ठीक है तो अब दोबारा देखें जैसे सीन के अंदर दोबारा लाइट खत्म हो गई है। ठीक है 2D इमेजेस की वो जो है स्प्राइट उसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, जो किसको पड़ती 3D आते हैं स्टूडियो। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अच्छा यार ये टॉगल होता है लाइट्स ऑफ का ऑन ऑफ का सी व्यू के लिए। ठीक है मतलब अगर हो सकता है आप एक डार्कर गेम बनानी हो एक आप एक डार्क एनवायरनमेंट में रखना लेकिन आप एडिटिंग कर रहे हो तब आपको लाइट की जरूरत पड़ती है ताकि कुछ भी डेली कर सको, तो ये क्या होता है कि सीन के गेम प्ले में यूज होगा ना लाइट्स उसको शो नहीं करवाता है, एक एम्प्टी लाइट शो करवा देता है कि हर जगह पे लाइट ही लाइट अवेलेबल है। समझ गए चीज की, हाँ हमारी आसानी के लिए। तो अब ये एक्सिस के लिए रोटेशन के लिए ये थोड़ा सा इजी होता है वर्क करने के लिए अगर आपने किसी स्पेसिफिक में वर्क करना है, और ये पर्सपेक्टिव में होता है चेंज करते हैं और ये ऑर्थो में चेंज हो गया। ठीक है अब हमने क्या करना है, हमने ना मॉडल लगाना है शेप का, मुझे कंट्रोल प्रेस करती है डायरेक्शन लाइट भी ऐड करो, तो उसके लिए करेंगे लाइट डायरेक्शनल लाइट। ठीक है इसको कहीं साइड पे प्लेस कर देते हैं क्योंकि मतलब डायरेक्शनल लाइट है तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और अब हम क्या करते हैं ये देखते हैं प्रीफैब्स के अंदर जिसके ओल्ड गेम के अंदर मॉडल्स के अंदर काफ़ी मॉडल्स बना के रखे हुए हैं।
ये जो एस्ट्रॉइड्स थे वो तीन तरह के एस्ट्रॉइड्स के मॉडल हैं, ये 3D एस्ट्रॉइड्स हैं, इनको मूव करके देख सकते हो। ठीक है, नज़र क्यों इतना नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है इसलिए? हाँ ठीक है, और इसी तरह ये शेप है, राइट। इस शेप को अब हम मूव करते हैं, जगह प्लेस करते हैं, इसको मैं रीसेट करता हूँ। ठीक है, तो अभी बैकग्राउंड के थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, ये बैकग्राउंड के अंदर चला गया। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको अगर मैं VMU में देखता हूँ तो ऐसे लगेगा तो बैक से नजर आ रही है शेप। इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे रोटेट करेंगे, 3D के अंदर यार लेयर्स में काम नहीं होता। क्योंकि अब हम जी एक्सिस चाहिए, क्योंकि हम जी एक्सिस में काम कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं जी एक्सिस को चेंज करते हैं, कि ये चीज ऊपर आएगी, ये चीज पीछे पीछे आएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रोटेशन अप्लाई करनी है, रोटेशन का किस एंगल पे एक्सिस पे अप्लाई करनी है, एक्स के ऊपर अप्लाई करनी है, तो कौन सा माइनस 90 कर देंगे, समझ लगे इस चीज की। ठीक है, अब 0-0 कर देते हैं, और अब वो बैकग्राउंड के बिल्कुल अंदर चला गया थोड़ा सा शेप, हाँ तो बैकग्राउंड को पीछे कर देते हैं, ये शेप को आगे बैकग्राउंड को थोड़ा पीछे करते हैं, क्योंकि शेप को कंट्रोल करना है हमने। तो मैंने कहा था कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको हमें कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे अच्छा अब क्या करते हैं, कि ना बैकग्राउंड के लिए एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो कि बैकग्राउंड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो हमने अच्छा ये देखो दोबारा इसको बैकग्राउंड को मैं रीसेट नहीं था किया, हां इसी फ्लैप बटन, ठीक है, इनको वैल्यूज को रीसेट करते रहना चाहिए साथ साथ, मैं आपको पहले ही बताया था, बाद में शुरू किया था। ये हमारी शेप आ गई, शेप हमें यहां पे नजर आ रही है। ठीक है, अभी मैं प्ले करता तो ऑब्वियस ही बात है कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ क्या किया उसका एनवायरनमेंट तो सेट किया जिस पर हमें काम करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे शिप के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्क्रिप्ट लिखेंगे शिप की, जी लिमिट्स लगाएंगे, हाँ लिमिट्स लगाएंगे, तो इसका नाम रखते हैं लिमिट्स लगानी है उसके उसके ऊपर कीज सेट करनी है, की सेट करनी है ना, तो शिप मूवमेंट प्लेयर कंट्रोलर। ठीक है, अच्छा अब हम कौन कौन से फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर ना, कि हम छोटे छोटे फंक्शन में काम करते हैं, कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होना चाहिए प्लेयर कंट्रोलर के अंदर, जो कि उसको कंट्रोल करेगा अपडेट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ में यूज की फंक्शन से लिखेंगे, तो सबसे हम मूव का अप डाउन लेफ्ट राइट, और क्या करेंगे, रोटेशन और क्या होगा, वाह, और शायद स्कोरिंग भी होगी, जो भी अगर स्कोर का इस्तेमाल नहीं है वो हिट लगेगा जिसको, तो उसका वो नहीं गेम का नहीं, वो बेखाली जिसको हिट होगा, हाँ बुलेट का, वो बुलेट का काम होगा, बुलेट ट्रिगर करता है ना कि मैं इसका हिट हूं, अब बुलेट भी होता है या फिर वो जिससे जिससे, हाँ हाँ एस्ट्रॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे प्लेयर की सारी मूवमेंट्स जो हैं वो इन फंक्शन से डिफाइन हो रही हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय यानी कि जो वो डिस्ट्रॉय होता है वो, तो उसमें क्या करना है, फाइव के ऊपर क्या होगा, ठीक है, रोटेशन उसकी कितना अप्लाई करनी है और अपर डाउन मूव कैसे करना है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज करते हैं कि हमने याद है लास्ट टाइम हमने लिमिट बनाई थी, दो फ्लोटिंग वेरिएबल्स बनाए थे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि दो एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं,
ट्रस्ट इसमें जिस तरह का बनेगा तो छोटा सा ना जब अपना बना लेते हैं डेटा टाइप जो कि बाउंड्री को यूज करने में इजी रहेगा ठीक है थोड़ा फॉन्ट बड़ा करना तो क्लास के अंदर यहाँ भी क्लास बन जाती है क्लास के क्लास में हाँ सब क्लास किसे कहते हैं ठीक है अच्छा इसकी बाउंड्रीज के अंदर क्या क्या आएंगे इस टाइम लास्ट टाइम मैंने सब लेफ्ट और राइट लिमिट रखी थी इसके अंदर क्या क्या है अब लिमिट मत लो ठीक हो गया ये कुछ वेरिएबल्स बन गए अब इसको क्या करना है अब मैंने सेट कहाँ से करवाना है इनको करवाना है हायरार्की से सेट लेकिन इसको क्या करेंगे पब्लिक इसका वेरिएबल बना देंगे फिर हम एक काम करते हैं कि हम इसको पब्लिक क्यों कर रहे हैं ताकि बाहर से बाहर से लेकिन ये ऊप के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है कि एक शेप है ठीक है उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं वो कोई और क्यों एक्सेस कर सकती है ठीक है वो तो पब्लिक नहीं होनी चाहिए ना कि मेरी मूवमेंट्स की है कि यार मेरी स्पीड कितनी है या फिर मैं कितनी एरिया के अंदर घूम सकता हूँ वो पब्लिक नहीं होना चाहिए तो वो उसको एक्चुअली प्राइवेट होना चाहिए लेकिन वो हमें हायरार्की से सेट भी करना है तो उसके लिए क्या करना है हायरार्की से सेट मतलब यूजर इंटरफेस से वो जो हमारा इंस्पेक्टर में से ठीक है अब हमें क्या करना है इंस्पेक्टर में से वैल्यूज को सेट भी करना है तो इंस्पेक्टर से वैल्यूज को सेट भी करना है लेकिन वो यूजर को पब्लिक को नहीं होना चाहिए पब्लिक क्योंकि इसमें हम किसी भी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं कोई अगर क्लास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी हुई है तो हम डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट की क्लास पे वेरिएबल पे एक्सेस करके उसके पब्लिक पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं ठीक है और इसे एक दो जगह पर हम करेंगे भी ठीक है तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट का ध्यान रखते हैं ताकि कोई और इंटरफेयर ना कर सके हमारे गेम के साथ ठीक है क्योंकि अगर हम बाउंड्रीज और कोई और क्लास आके चेंज कर देंगे तो क्या होगा वो काफी स्क्रीन से बाहर भी जा सकता है स्क्रीन को इंक्रीज कर देगी या स्कोर को चेंज कर देती है तो उसके वजह से क्या करेंगे यहाँ पे पब्लिक नहीं होना चाहिए इसके प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए यार बी नाम रखो उसको लिमिट्स कर दो हाँ अच्छा एक और चीज़ है कि यार हायरार्की वो जो इंस्पेक्टर है उसको कैसे पता चलेगा कि ये हमारी एक क्लास है जिसके अंदर चार पैरामीटर्स हैं और उसको हमने शो करवाना है पब्लिक ठीक है नहीं अगर मैं इसको पब्लिक भी कर देता यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने पब्लिक लिख दी है अगर कैसे पता चलेगा कि बाउंड्री का चार पैरामीटर है चार पैरामीटर्स को मैंने इनपुट लेना वहाँ पे ठीक है अभी मैं पब्लिक भी करता हूँ ना दिखाता हूँ एक मिनट मैं अगर शेप के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यार जो कि प्लेयर के लिए होगा ठीक है ये एक्चुअली मैं पता करता क्यों ये जो फोल्डर बना लेता हूँ और वो जो गेम ऑब्जेक्ट बना के उसका चाइल्ड बनाता हूँ उसको उसके पीछे वजह ये होती है कि सपोज करते हैं कि बाद में हम क्या कहते हैं मल्टीपल शेप्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे तो उसके लिए दोबारा वो सारी सेटिंग्स अप्लाई करेंगे कि यार कौन इसकी ये शेप है इसकी ये बाउंड्रीज हैं यार सारा कुछ हाँ डुप्लीकेट करेंगे उसके बाद अभी इस शेप की देखते हैं कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसके जो सर मैश है इसका अपना मैश है इसके क्या नाम कहते हैं मैश की रेंडरिंग पार्ट है और किस तरह डिफाइन करोगे अब क्या करते हो कि सिर्फ सारी जो आपकी कंडीशनिंग है वो बैरन में अप्लाई करते हो और चाइल्ड के अंदर सिर्फ क्या करते हो आप उसके ना अगर आप 3D में काम करते हो उसके मैंने यहाँ से पब्लिक किया था लेकिन वहाँ पे शो नहीं हुआ अभी तक ठीक है क्योंकि यूनिटी जो है ना वो उस क्लास से रिकग्नाइज नहीं कर रहा कि मैं उसको वहाँ पे हायरार्की में किस तरह शो करवाऊँ समझ लगी इस चीज़ की नहीं समझ लगी नहीं लगी नहीं ठीक है नहीं फिर भी नहीं बनेगा नहीं अगर पब्लिक फ्लोट वाली बाहर
वो तो वैसे भी एक क्लास में एक ही होती है, वो भी एक फाइल में एक ही होती है, राइट? अच्छा क्या कह रहे हैं, इफ वाले तब शो होंगे, हाँ तब ये चार पैरामीटर शो होंगे। जी आ जा भाई, आ जा यार, बिस्तरा खराब, हाँ वो लोड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार ये वेरिएबल्स अगर से कुछ बाउंड्रीज आएंगी, अगर ये काफी ज्यादा डेटा होता है इसका, ये बहुत अनऑर्गेनाइज लगता है यहाँ से अगर सेटिंग करनी पड़े, ठीक है। तो ये तो ठीक तरीका नहीं है कि अगर एक एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, और किसी चीज से बचने के लिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना लेते थे, स्ट्रक्ट भी बना लेते थे, या तो डेटा ऑर्गेनाइज है, हमें पता रहे कि यार अगर मैंने लिमिट्स को एक्सेस करना है, मैं सिर्फ लिमिट के वेरिएबल को एक्सेस करूँ और वो चार लिमिट्स उसके पास हों, ठीक है। ये नहीं है कि मैं एक एक लिमिट उसकी डिफाइन करूँ कि लेफ्ट को कॉल करो या राइट ही करो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया था कि इसको उसमें क्लास के अंदर रख दिया था, लेकिन वो क्लास पर रिकग्नाइज नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं लग रही कि क्या चीज़ है, क्लास तो है वो समझ रहा है, फिर हायरार्की में शो करवाना है नहीं करवाना। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक उसके लिए कीवर्ड यूज होता है सिस्टम डॉट सीरियलाइज सीरियलाइजेबल सीरियलाइजेबल, ठीक है। अब सिस्टम डॉट सीरियल जी ये क्यों यूज किया, मैं दिखाता हूँ, अभी ये शो कर देगा, एक मैं कंपाइल कर दूँ, मैं दिखाता हूँ, हाँ ये देख रहे हो लिमिट का वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके चाइल्ड के अंदर सारी आ गई है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर हमें दो तीन का वेरिएबल्स में आने पड़े तो ऑर्गेनाइज रहेगा ये, उससे क्लास से पहले लिखना पड़ता है, हाँ क्लास से पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। और सेम जो मैंने कहा था, जो प्राइवेट रखना है आपने और उसको हायरार्की में शो करवाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी इसी तरह कीवर्ड है सिस्टम डॉट सेव वाले, सीरियलाइज फील्ड, ठीक है। ये समय लगे चीज की वो पूरी क्लास को सीरियलाइज करने के लिए, ये फील्ड को सीरियलाइज, फील्ड को सीरियलाइज करने के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट फील्ड है उसको हायरार्की में शो करना है तो उसको वहां पे सीरियलाइज कर दे, ठीक है। यार कुछ क्वेश्चन नहीं आता जो, इसका मतलब ये कि ये किसी ये वाला जो हमारी प्रॉपर्टी है ये किसी और क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा, कोई और क्लास एक्सेस नहीं कर सकता इसको, सिर्फ हम हायरार्की से चेंज कर सकते हैं। हायरार्की से चेंज करने का मतलब यही है ना कि ये एक्चुअली हम इस क्लास के अंदर ही बैठे हैं, हां अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अगर आप सीन का काम कर रहे हो तो आप अगर डेवलपमेंट पार्ट कर रहे हो, ऐसे डेवलपमेंट टेक्निक है कि आप वहां से कुछ स्टैटिक स्पीक कर सकते हो, लेकिन बाद में कोई और क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, ये रन टाइम पे चेंजेबल चीज नहीं है ये, हां रन टाइम पे चेंज करना है तो अपनी क्लास से खुद करोगे, कोई और नहीं कर सकता, ये कुछ थोड़ा सा प्रोटेक्टेड से मिलता जुलता है, हां जी ठीक है। अच्छा अगली लिमिट्स आ जाती हैं, सेम इसी तरह आते हैं, अच्छा प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता, डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसके लिए, अगर हमने ये तो बाउंड्रीज कर ली हैं, अच्छा यार देखो यहाँ पे एक फंक्शन मिसिंग था, मूव जब कर रहे हैं तो इस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर क्लैंप भी तो करवाना था, ठीक है। सॉरी दोबारा बोले, तो यहाँ पे हमें एक क्लैंप की फंक्शनैलिटी है जो कि इसके अंदर कॉल करनी पड़ेगी, यानी हमें क्लैंप का फंक्शन भी लिखना पड़ेगा जो कस्टम होगा, राइट। यार ये लगा दो सरान, लगा दो। अच्छा यार अब हमने क्या करना है, मूव करवाना है, मूव कराने के लिए क्या यूज करेंगे, एक उसकी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी कि स्पीड से मूव करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्लो वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक हो गया। सेम इसी तरह एक और वेरिएबल बनाते हैं, वो किस चीज के लिए बनाएंगे, रोटेशन, रोटेशन स्पीड के लिए, राइट, एंगुलर स्पीड, ठीक। अच्छा हमने रोटेशन भी कर लिया है, फायर अभी नहीं करते, फायर का क्योंकि फायर जो फायर भी करते हैं तो उसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए यूज होगा सीरियलाइज स्पीड,
ये क्या चीज़ है अभी हमने मैंने बारे में देखा था हर फंक्शन के लिए क्या चीज यूज होगी ठीक है मूव अप एंड डाउन के लिए क्या भी यूज होगा इसके लिए यूज होगा स्पीड मूव स्पीड इसके लिए यूज होगा रोटेशन स्पीड ये फायर के लिए क्या यूज होगा बुलेट बुलेट क्यों यूज होगा वाला क्यों एक एक्शन सेपरेट फाइटर हमारे पास क्या होगा गेम ऑब्जेक्ट होगा बुलेट का ये क्या होगा प्रीफैब होगा जैसे हमने याद है लास्ट स्पॉनर में किया था हम क्या करते हैं डिफरेंट स्पॉन करवाते हैं इंस्टेंशिएट करवाते हैं ठीक है तो हम बुलेट से क्या करवाएंगे यहाँ पे जैसे उस फायर का इवेंट ट्रिगर होता है तो हमें क्या करना है ठीक है इंस्टेंशिएट करवा देना है अच्छा इस ऑब्जेक्ट की अपनी क्लास होगी हाँ इस बुलेट को बुलेट को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है हमारा काम है बुलेट को क्रिएट करना लॉन्च करना उसको कंट्रोल करेगा उसका अपनी क्लास स्क्रिप्ट लिखने में जो साइन होगी उस प्रीफैब में उसी की स्क्रिप्ट के ऊपर ठीक है और उसके बाद हमने डिस्ट्रॉय किया ये हमने इसलिए किया क्योंकि फायर जो है वो ओरिजिनेट आपके प्लेयर से ही होना है क्योंकि शिप ही एक्चुअली फायर करता है तो ऊप की जबान में देखा जाए तो एक्चुअली फायर इसके थ्रू होना चाहिए और एसोसिएशन इसके साथ हम एक्चुअली एसोसिएशन कर दिया हमने इसके साथ क्योंकि इसी ने इसको 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 चलाना है ज़बरदस्त ठीक हो गया यार अच्छा यहाँ पे ना कुछ फंक्शन देख लेते हैं बारी बारी वाइड मूव ठीक हो गया यार लाइट ऑफ करना मूव जो है हर फ्रेम में कर सकता है वो ठीक है स्टेशन भी हर फ्रेम में हो सकती है राइट फायर भी हो सकता है फायर के लिए क्या करेंगे इफ की प्रेस इफ की प्रेस हां स्पेस वाले स्पेस इनपुट डॉट ठीक है स्पेस इनपुट डॉट स्पेस सो ये भी दे दो ठीक हो गए समझ आ गया आपको हां डाइविंग हो सकता है तो अपडेट अपडेट भी करेंगे हर सेट में चेंज करेंगे अगर वो उसको कोई एस्ट्रॉइड कर दे हर फ्रेम में ये कोलिजन कितना चेक करते हैं किसी दो ऑब्जेक्ट्स की तो उसको अपडेट में चेक करने की जरूरत नहीं है समझ लगी चीज की नहीं समझ लगी नहीं लगी यार उसके क्या हम किसका उसको कैसे मार सकते हैं कोलाइड करेगा ठीक है तो कोलाइड कोलिजन का ध्यान रखना हमारा काम तो नहीं है ना कि कोलाइड हुआ कि नहीं हुआ वो तो एक फंक्शन हमें पहले डिफाइंड हुआ है जो अगर वो खुद ही कॉल हो जाता है तो हम किसी का कोलाइड होते हैं अच्छा ठीक है तो जो एक्चुअली डाय का जो फंक्शन है वो कहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा मैं बताता हूँ वहाँ पे ये हम ओवरराइड करें यार वो एक कोई कनेक्शन यूज कर लो के साथ ओवरराइड लिख दो कमेंट डाल के ना एंड में ओवरराइड का मतलब ये कि इसकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए एग्जैक्टली प्रो टाइप अच्छा यार देखो इसमें 2D और 3D का डिफरेंस आता है कि वहां हम 2D को मेंशन करते हैं और वहां पे 3D एंड 2D को ऑब्जेक्ट आता है अदर ये नाम कुछ भी रख सकते हैं कोलिजन हां
अदर भी रख सकते हैं, कोलिजन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोलिजन विद इस तरह से, हां कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना डाई को कॉल करना है, ठीक हो गया। अब उन्हें मूव में करना है, मूव के जब मैं बताया था वो इनपुट यूज करेंगे, इनपुट यूज का। अच्छा वो करता क्या, वो एक्चुअली करता ये है कि उसकी ना तीन वैल्यूज है जिस तरह से वो वैल्यू प्रोवाइड करता है, लाइट ऑन तीन वैल्यूज प्रोवाइड करता है, माइनस वन से लेकर जीरो और जीरो से ये वैल्यूज है, ठीक है। अब वो बता क्या करना, की कोई प्रेस नहीं ना कर रहा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर मैंने लेफ्ट की प्रेस किया तो माइनस वन आएगा, राइट की प्रेस किया तो अच्छा इंस्टेंट वन ही आएगा, ठीक है। वो ग्रेजुअली ग्रो करेगा, यानी 0.1 ठीक है, 0.2 अप्रोच टू दिस और -0.1 हां -0.2 और ये इसकी तरह जाएगा, समझ लगी चीज की, ठीक है। दो चीजें होती है, एक तो आप होता है कि इंस्टेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है, और एक तो तय है उससे ग्रेजुअली ग्रो भी करवा सकते हैं, हां तो वो इंस्टेंट होता है कि उस पे वो होता है कि हमने चेक्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। अगर तो -1 के इक्वल यानी की प्रेस हुई है, ठीक है। अब अगर एक मैं चाहता हूं कि मेरा अगर प्लेयर है ना, ये अगर मेरा प्लेयर है, ये इसकी इधर की तरफ मूव करता है जब मैं स्पेस प्रेस करता हूं, ठीक है। तो अब आप कोई भी गेम खेलते तो क्या होता है कि वो एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट नहीं कर देता, ठीक है, वो स्लोली इंक्रीज करता है, एक टाइम पे जाके क्या होता है कि वो एक लिमिट को अचीव करता है जहाँ पे वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो अगर वो किस तरह करेगा, अगर मैं डायरेक्ट इफ की कंडीशन यूज करता है, इफ की इज प्रेस दिस, इफ स्पेस इज प्रेस, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसकी स्पीड के वेरिएबल बनाते हैं, उसको ग्रेजुअली ग्रो करवाते हैं, और ये फ्लोटिंग में भी होती है, तो हम क्या करते हैं फ्लोट मैंने बताया था ना आपको इनपुट के जो एक्सेस लेके आ रहे थे सारे, और हमने कौन से एक्सेस को एक्सेस करना है, यहाँ पे आते हैं एडिट, एडिट के अंदर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में इनपुट, और हमने कौन सा लेना है यहाँ पे ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिख दीजिए, हाँ। अब क्या करेगा कि क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर काम करेंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएगा यहाँ से इनपुट के अंदर, और चेक कर लेगा कि नेगेटिव की, नेगेटिव बटन कौन सा है, लेफ्ट है और ए है। नेगेटिव बटन समझ में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है वहाँ से, और इस टाइम पॉजिटिव वैल्यू है। और अब हम चेक करते हैं यहाँ पे ना, अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है हॉरिजॉन्टल, सही बटन चेंज हो सकते हैं क्या, हाँ हॉरिजॉन्टल भी आ गया, और हम क्या करेंगे वर्टिकल इनपुट्स लेने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे एक और वेरिएबल बनाते हैं, अच्छा अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, जी पोजीशन चेंज करेंगे इसकी हम, अब हम देखते हैं कि जी पोजीशन की इसकी जी पोजीशन से क्या होगा, ठीक है। ये कौन सा है, इसका कौन सा है y एक्सिस, ठीक है, ये इसका x एक्सिस है, जी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हां तो या तो इसका x चेंज होगा या होगा y चेंज, लेकिन रोटेट करते हो तो हम g को यूज करेंगे ना, जी रोटेट करते हो तो g को यूज नहीं करेंगे, रोटेट करते हुए यूज करेंगे, लेकिन वो बस एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करना है उसको बस, हां अच्छा याद आने लगी, अच्छा अब हम क्या करेंगे, जब एक चीज तुमने जो अभी रोटेशन ये जो मूवमेंट की थी ना, वो मूवमेंट में वो आप वो बस मेक श्योर करें कि वो आप या एक्स एक्सिस का एरो पकड़ें या वाई एक्सिस का एरो पकड़ें, अदरवाइज फिर जी खराब हो जाएगा, हां इसलिए इसलिए मैंने कहा था यहां पे जब हम काम करते हैं ना तो यहां से अगर पकड़ के मूव करता है देखो जी और वाई जो दोनों चेंज हो रहा है, ये वैल्यूज देखना यहां पे ये हो
सारा खराब हो गया। ठीक है, अब मैंने तो मूव करना था सिर्फ वाई के अंदर, वो तो जी भी चेंज हो जा रहा है साथ में, इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमेशा हैंडल्स को यूज करते हैं। ये कलर डिफाइंड होते हैं, रेड जो है एक्स एक्सिस के लिए होता है, ब्लू जी के लिए होता है, और येलो जो है वाई के लिए होता है, राइट? ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे हम? कुछ भी वैल्यूज साइन कर रहे थे, मेरे पास दो वैल्यूज आई है, इनको मैं यूज करते हैं, बनाता हूँ उनको वैल्यूज देता हूँ और उसको साइन कर देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इसको इनिशियलाइज़ जीरो से करेंगे कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन से करेंगे, जीरो से ट्रांसफॉर्म पोजीशन जो भी करंट पोजीशन से पोजीशन करेंगे, क्या चीज सर? ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन से करेंगे, अगर जीरो से करेंगे तो फिर हर बार ओरिजिन पे जाएगा। हां ठीक है, इसी समय लगी है जी, क्या दोबारा बोला? मैंने बताया कि अगर जीरो से करेंगे तो हर दफा वो ओरिजिन से स्टार्ट लेगा, लेकिन हमें पहले दो पैरामीटर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे रहे हैं, वर्टिकल और जीरो। कि डबल से हम फ्लोर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एफ लगाते हैं तो सिर्फ डिफाइन हो जाता है कि ये चीज़ जो है ना फ्लोटिंग वैल्यू ही है। ठीक है, अच्छा अब मूव करके देखते हैं, यहाँ करते हैं। स्क्रिप्ट तो लगी है, अच्छा क्या चीज मोस्टली जीरो ही है, मोस्टली जीरो ही है। चाहिए अभी भी नहीं चल रही, कोड दिखाना, कोड दिखाना, मोस्टली यूज नहीं किया हुआ अभी, मुझे वो मेरे को वेक्टर को साइन तो किया ही नहीं, साइन नहीं किया, साइन किस चीज को ट्रांसपोर्ट साइन को साइन किया तो ये चीज भूल गए थे। ठीक है, क्योंकि मैं बताया कि वेक्टर 3 का वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं वैल्यूज को ये कॉपी कर रहे हैं और दोबारा री इनिशियलाइज नहीं थी करवाने ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, ये शो अच्छा बात है, हमने स्पीड का फैक्टर तो यूज नहीं किया, ये वही का वही रहेगा। हां क्या चीज, ये वही का वही नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ये वैल्यू देते हैं -1 से लेकर 1 तक, तो बहुत स्लो मूवमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मूव
स्पीड एक्चुअली हां तो ठीक है और टाइम का डेटा टाइम की है ये हम स्केल अप करें ना जी ये हमने स्केल अप किया वो जो माइनस वन से वन तक वैल्यू आई उसको हमने स्केल अप किया क्या बात है सर क्लैंप नहीं हुआ अभी क्लैंप नहीं हुआ और रोटेट भी नहीं हो रहा हाँ रोटेट भी नहीं हो रहा और स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो कम कर देंगे नहीं स्पीड स्पीड का लेवल डालेंगे ना जो आज तक इंक्रीज हो जाए स्कोर के बाद अच्छा ये देखो जैसे मैं डब्ल्यू क्लिक करता तो ई ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाती है एकदम स्टार्ट पे नहीं पकड़ती है मेरा ध्यान है कि वो 0 से 1 की तरह इंक्रीज कर रही है तो फ्रेम बाय फ्रेम आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज करती है स्पीड अप तब भी वो आराम रहा भाई ऐसा नहीं होता हाँ मेरा भी ख्याल अच्छा हमारी शिप मूव हो रही है हमने क्या करवाना है क्लैंप करवा लेंगे रोटेशन क्लैंप करवा लेंगे जो क्लैंप आईडी है क्लैंप में क्या करेंगे इसका कि इसकी लिमिट्स को यूज करेंगे हां तो हम क्या करते हैं वेक्टर 3 का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ठीक है और इसमें क्या करेंगे माय पोजीशन में दोबारा सेव कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म की पोजीशन बिल्कुल ठीक जी वेरिएबल है ना ये तो